हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, याद रखिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला देख रहे हैं, संगठनों की। तो मैं इसमें हम लोग बात कर चुके हैं विपो के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, तो पहले इसके स्थापना के बारे में बता दें, इसकी स्थापना हुई थी बेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के दौरान, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, इसके सदस्य देश हैं 189। ठीक है, अभी इसके करंट में 2020 की बात कर रहा हूँ, तो इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास। विश्व बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, याद रखना है आपको। इसकी स्थापना की गई थी सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, इसका प्रमुख कार्य है। और सिद्धांत की बात कर लें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, इसका प्रमुख सिद्धांत है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के विश्व बैंक के समूह देख लेते हैं, कौन कौन से समूह हैं इसके। ठीक, तो इसमें समूहों में सम्मिलित हैं, याद रखना है बेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और 189 देश हैं। ठीक है, इसके समूह में सम्मिलित हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को ही WB यानी कि वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक कहते हैं। फिर इसका समूह में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश की गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, इसके प्रमुख ये समूह हैं। ठीक है, याद रखिए। इसके उद्देश्य देख ही चुके हैं पहले भी, फिर भी बता देते हैं। इसका उद्देश्य है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक है, सदस्य राष्ट्रों को पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना है इसका उद्देश्य। परियोजनाओं के लिए ऋण अथवा ऋण के लिए गारंटी देना इसका प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता जैसे ही आप ग्रहण करते हैं कोई भी देश, अपने आप ही विश्व बैंक की सदस्यता उसे प्राप्त हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता जो देश ग्रहण करता है वो अपने आप ही स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। ठीक है, इसके 2030 तक जो लक्ष्य रखे गए हैं उन्हें देख लेते हैं, विश्व बैंक के लक्ष्य 2030 तक। तो इसका लक्ष्य है अत्यधिक गरीबी को खत्म करना, प्रत्येक देश में नीचे की 40% लोगों को की आय में वृद्धि करना, इसके प्रमुख लक्ष्य हैं 2030 तक। अत्यधिक गरीबी को खत्म करना, प्रत्येक देश में नीचे की 40% लोगों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, पता हुआ आपको। विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है कुछ महत्वपूर्ण, इनमें शामिल है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। याद रखना, पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो आपको बता देना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, याद रखिए इन रिपोर्टों को। ठीक, आगे हम बात करेंगे अब आगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक,